अगर जिंदगी में खुश रहना है, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना है और सफल होना है, तो सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखें। कैसे हैं आप सब? अरे बिल्कुल अच्छे होंगे, क्योंकि आप एक मंजिल की तरफ आप बढ़ चुके हैं ना। आप अपने उस सपने को पाने के लिए आगे बढ़ जा चुके हैं, और वो सपना है आपको अपने प्यार को पाना। क्या आपको पता है आप जो प्यार कर रहे हैं कि वो टाइम पास तो नहीं है ना? फिर एक नेगेटिव वर्ड है, अक्सर लड़के और लड़कियां एक दूसरे का संसाधन का यूज करते हैं। कभी कभी लगता है उनको कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। किसी के लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड नहीं है और बॉयफ्रेंड नहीं है, लगता है प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है, और वो जानबूझ के भी जो है ना बनाना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास भी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। लेकिन क्या ये जो आप अपना रहे हैं, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है? अरे आप तो इतना भी तैयार हो जाते हैं कि जितने भी आपके पॉकेट खर्च मिलता है घर से ना, आप सब गर्लफ्रेंड में लुटा देते हैं और आपको खुशी मिलती है। अरे पॉकेट खर्च तो कुछ नहीं है, कर्ज पे कर्ज लेते हैं फिर भी खुशी है आपको। दोस्त अगर कुछ भी बोलते हैं कोई फर्क नहीं है। अभी आपको समझने की जरूरत है कि आपका जो ये प्यार जिसको आप मान रहे हैं, वास्तव में प्यार है कि नहीं है। आप स्पष्ट खुलकर बात कीजिए अपने प्रेमी और प्रेमिका से, खुलकर बात कीजिए। किस लिए? क्योंकि आप उस परिस्थिति में है जहां पे आप निर्णय, मैं पिछले वीडियो में ही बताया था, आपका निर्णय ही आपको आपके भविष्य तक पहुंचाएगा कि कहां आप जाना चाहते हैं। आप खुलकर बात करें, जिसको हम बोलते हैं लव मैनेजमेंट। अब लव का मैनेज करने को लेकर के आप बात करें, क्योंकि आपकी जो लवर है उसकी भी लाइफ है, उसके भी भविष्य है, और आपके तो है ही है। आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, जिसमें आपके लाइफ का गोल शामिल है, कैसे हासिल करेंगे इस पर डिस्कस होनी चाहिए। रोमांटिक में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको जहां पहुंचना है उसको लेकर कभी आपने डिस्कस किया? आपको फील करने की जरूरत है कि ये मेरा यूज कर रहा है या कर रही है, मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। अक्सर ऐसा ही होता है, और ऐसे प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है, क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पे बना हुआ रहता है। झूठ की बुनियाद पे कोई भी काम आज तक सफल नहीं हुआ है, उसका हमेशा दुष्परिणाम निकलते हुए देखा है मैंने। आज पेपर में जो न्यूज में जो आप देख रहे हैं कि ये हरकतें हो रही है, उसके पीछे यही है, झूठ की बुनियाद पे ये प्यार मोहब्बत होते हैं। फिर आपको समझने की जरूरत है कैसे, बस मैंने वही बताया कि आपको जो है अपने लवर से बात करने की जरूरत है। बात करके आप कंक्लूजन निकाले कि आप को जो करना है, क्या वास्तव में आपके लवर उसमें मदद कर रहे हैं। मौज मस्ती प्यार नहीं होता है भाई, घूमना लॉन्ग ड्राइव पे जाना प्यार नहीं होता है भाई। मेरे दोस्त, मैं आपको प्यार के प्रति मैं समर्पित हूं, मैं डेडिकेटेड हूं आपका प्यार मिले। इसके लिए हमारी ये वीडियोज का जो सीरीज आ रही है, इसको तो आप पूरा देखें ही देखें। आज मैं आपको उस चीज से परिचित करवाना चाहता हूं जिससे आप अपने फ्यूचर को या अपने प्यार को पा सकते हैं। प्यार को आप एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक ऊर्जा स्रोत के रूप में आप लेंगे, तो आपको अपने सपने को पूरा करने में बहुत ही सहूलियत होगी। अब फिर लग रहा कि मुना भाई फिर लपेट रहा है, अरे ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि आपके पास अब दो रास्ते हो गए। दिल भी अब कहता है कि ये जो कर रहा है ना गलत है, नहीं फिर जो ना प्यार में इतना आप अभिभूत हो जा चुके हैं कि आप अपने दिल की बात मानते नहीं। वो चीज जिसे आपको लगता है कि गलत है, आप उसको गलत साबित कर देते हैं खुद।
ये आपको समझने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है कि जो आप करना चाहते। अब आप, आपके सामने जो ना दो रास्ते होगा जो मैं बार बार बता रहा हूं। एक तो आप जो प्यार के रास्ते हैं वो, दूसरा आपका जो आपका लाइफ है, जो आपके लाइफ के गोल है वो वाली। अब ये दोनों में सामंजस्य कैसे स्थापित करेंगे? आपको दोनों में पाना, एक है आपको अपने लाइफ के लिए, दूसरा आपको लगता है तो परिवार समाज के लिए। आप दोनों रास्तों में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे? और दोनों एक दूसरे का पूरक है। जब तक आप अपने लाइफ के गोल को हासिल नहीं करते हैं, फिर ये प्यार को पाना जो है ना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है ना श्राप हो जाएगा, गले की हड्डी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है ये जो दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते को कैसे सामंजस्य स्थापित करें और दोनों रास्ते को चलते हुए अपने प्यार को भी पाए और अपने जीवन के लक्ष्य को भी पाए, आज नहीं बताने वाला हूं। फिर वही चीज, और निश्चिंत रहिए, अगर आपने इसको फॉलो किया, सारे वीडियोस को देखा और आपने एक जो चार्ट बनाया जो मैंने सजेस्ट किया, मैं निश्चित कहता हूं कि आपके प्यार को पाने से दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। आप पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाइए और अपने रियल प्यार की पहचान कीजिए। टाइम पास वाले लाइफ को मत जिए। मैं रियली में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें, नहीं तो फिर जो है ना इसका बहुत ही गलत परिणाम होगा। मेरे दोस्त, आप युवा है और आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, और मैं भी आप में आपके इस विजन को कंप्लीट करने में मैं अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं। तो इस आशा के साथ कि आप अपने समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अपनी विचार हमसे शेयर करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आप अपने प्यार को कैसे पाएंगे पूरे चार्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।